नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं DRDO द्वारा डेवलप किए जाने वाले एक नए जनरेशन के ग्रेनेड के बारे में। तो जी हां दोस्तों, एक रीसेंट मीडिया चैट के दौरान DRDO चीफ ने ऐसा बताया है कि वो एक नए जनरेशन के ग्रेनेड पे काम कर रहे हैं, जो कि करंट जनरेशन के जो भी ग्रेनेड्स हैं उनसे ज़्यादा एडवांस और सेफ्टी के लिहाज से ज़्यादा फीचर्स अपने साथ लेके आएगा। और ये एक 40 mm का ग्रेनेड होने जा रहा है, जिसे अंडर बैरल लॉन्चर्स UBL के साथ और मल्टीपल लॉन्चर्स MGL इन दोनों के साथ लॉन्च किया जा सकेगा, क्योंकि ये दोनों के साथ कंपैटिबल होगा। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे, जो भी MGL होते हैं वो मल्टीपल बैरल का यूज करते हैं, जो कि स्पेसिफिकली डिजाइन होते हैं ग्रेनेड को लॉन्च करने के लिए। वहीं पे जो UBLs होते हैं वो आपके गन के बैरल के जस्ट नीचे अटैच किए जाते हैं। और इस ग्रेनेड का जो अनाउंसमेंट है वो हाल ही में तब आया है जब गवर्नमेंट ऐसा देख रही है कि वो 8 तरह के नए अम्यूनिशन इंडियन आर्मी के लिए डेवलप करे प्राइवेट प्लेयर के साथ मिलके। और इसी में ये 40 mm का ग्रेनेड भी इंक्लूडेड है। तो अगर एक रिपोर्ट की माने तो अभी इंडियन आर्मी को तकरीबन 3,40,000 ग्रेनेड की आवश्यकता है। और बेसिकली ये ग्रेनेड डेवलप किए जाएंगे DRDO की लैब आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेब्लिशमेंट ARDE के द्वारा। और अभी करेंटली आपको बता दूं, इंडियन आर्मी दो तरह के बैरल्स यूज कर रही है ग्रेनेड्स को लॉन्च करने के लिए। एक तो आपका 30 mm ग्रेनेड लॉन्च करता है, जो कि एक ट्राइपॉड बेस्ड ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर है। और इस तरह के जो भी ट्राइपॉड बेस्ड ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर्स होते हैं, जो कि एक डेडिकेटेड टास्क परफॉर्म करते हैं, तो इसमें कुछ खामियां भी होती हैं। जैसे कि इस तरह के लॉन्चर्स बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं और इनकी एक्यूरेसी उतनी नहीं होती है। और इस तरह के ग्रेनेड लॉन्चर्स बहुत स्ट्रॉन्ग रिकॉयल का यूज़ करते हैं, और जिसका परिणाम ये होता है कि फायरिंग के दौरान वो एक स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड फोर्स जनरेट करते हैं। तो इस तरह का 30 mm ट्राइपॉड बेस्ड ग्रेनेड लॉन्चर अभी भी इंडियन आर्मी यूज कर रही है। अगर बात करते हैं UBL की, तो इंडियन आर्मी दो तरह के UBL यूज करती है। उसमें से जो पहला टाइप है रशियन 40 mm ग्रेनेड लॉन्चर है, जैसा कि आप अभी इस पिक्चर में देख रहे होंगे। और ये रशियन 40 mm ग्रेनेड लॉन्चर किसी भी AK-47 या फिर इंसास राइफल के जस्ट नीचे अटैच किया जा सकता है, जैसे कि अभी आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे। और इस रशियन ग्रेनेड लॉन्चर में इसका जो ट्रिगरिंग मैकेनिज्म है वो जस्ट पीछे दिया गया है, जिससे कि ग्रेनेड और बुलेट फायर करते टाइम जो पोजीशन होती है वो ट्रूप को अपनी चेंज करनी पड़ती है। वहीं पर अगर आप बात करते हो जो ARDE ने डेवलप किया है लॉन्चर, जिसे ARDE ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री त्रिचुपल्ली के साथ मिलकर डेवलप किया है, और ये UBL भी इंसास राइफल और AK-47 दोनों पे डिप्लॉय किए जा सकते हैं। और इसकी जो खास बात यह है कि इसका जो ट्रिगरिंग मैकेनिज्म है वो जस्ट बिहाइंड में दिया गया है, साइड में, जो कि एक एडिशनल एडवांटेज लेके आता है ट्रूप्स के लिए। उनको अपनी पोजीशन चेंज नहीं करनी पड़ती है बुलेट और ग्रेनेड फायर करने के टाइम पे। और ये जो UBLs हैं, ये ग्रेनेड को 400 मीटर तक फायर करने में सक्षम है, चाहे वो रशियन हो या फिर हमारा ARDE द्वारा डेवलप ये UBL हो। और आपको कितने मीटर दूर फायर करना है उन सभी के ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, जैसे कि 100, 200, 300, तो उन सभी के ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। आप वहाँ पे सेटिंग करके उतनी डिस्टेंस पे अपने रिकॉयल के द्वारा उतना फोर्स जनरेट करवा सकते हो। बात करते हैं इंडिजिनस ARDE द्वारा डेवलप किए गए UBL के बारे में। तो ये UBL जो कि 450 mm लंबा है, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह की साइट दी गई है, जैसे कि फोर साइट, बैक साइट, बीटा लाइट साइट। और सेफ्टी के लिए इसमें एक इनबिल्ट ट्रिगरिंग ऑपरेशन और बैरल लॉकिंग सिस्टम दिया गया है। और इसका जो रिकॉयल है वो 17 जूल की एनर्जी जनरेट करने में सक्षम है। और इतना तो आपको पता ही होगा कि ये एक AK-47 राइफल से भी अटैच किया जा सकता है। वहीं पर अगर बात करते हैं अम्यूनिशन फायर करने की, तो ये डिफरेंट तरह के ग्रेनेड्स फायर करने में सक्षम है, जैसे कि हाई एक्सप्लोसिव डुअल पर्पज स्मोक ग्रेनेड और TPT ग्रेनेड। और बेसिकली जो ये TPT ग्रेनेड्स होते हैं यूज करते हैं ट्राइपिडलराइजिन एक्सप्लोसिव, और ये एक्सप्लोसिव लेस सेंसिटिव होते हैं। तो जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है उस तरह के ग्रेनेड्स आप फायर करने में सक्षम होंगे। तो हर तरह के ग्रेनेड्स डेवलप किए गए हैं ARDE के द्वारा। इसमें स्मोक ग्रेनेड भी हैं, जो कि डुअल चैम्बर का यूज करते हैं। वैसे तो ये सारे ग्रेनेड्स सेफ्टी के लिए डुअल चैम्बर का यूज करते हैं, जो कि ARDE ने डेवलप किए हैं। और बात करते हैं इसके मास की, तो ये 230 ग्राम का है। वहीं पे जो प्रोजेक्टाइल का वेट है वो 180 ग्राम है, और 120 ग्राम फ्रेगमेंट का वेट है। और इसका जो लीथल रेडियस है वो 5 मीटर का है, मतलब 5 मीटर के रेडियस में जो भी पर्सनल या फिर चीजें होंगी उनको भारी क्षति पहुंचाने का मादा रखता है। अगर आप बात करते हो इस तरह के 40 mm ग्रेनेड्स की, तो इसमें ये कुछ कंपोनेंट्स दिए गए हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे प्रिकर्शर, बेस प्लग, प्रोपेलिंग चार्ज, कार्टेज केस, क्लोजिंग कप, लो प्रेशर चैम्बर, प्रोजेक्टाइल बॉडी, रोटेटिंग बैंड, कॉपर लाइनर और स्टिप बैक असेंबली के साथ साथ फ्रंट में फ्यूज भी लगाया जाता है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ARDE द्वारा डेवलप किए गए HEDP ग्रेनेड के बारे में, जो कि ये ARDE का वन ऑफ द पावरफुल ग्रेनेड है। और ये ग्रेनेड किसी भी तरह के आर्मर को भी भेदने में सक्षम है। तो बेसिकली हमने जो अभी कंपोनेंट्स बताए हैं
उन कंपोनेंट्स को इसमें एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज किया होता है, जिसमें जो फ्रंट सेक्शन है जो कि डोम शेप में है वो एक हॉलो अल्मुनियम ओगिव सेक्शन है, जो कि अपने साथ पीआईबीडी फ्यूज असेंबली कैरी करता है, और उसके जस्ट पीछे आपका आरडीएक्स स्प्लिट बैक चार्ज है जो कि अपने साथ एक कॉनिकल शेप में कॉपर लाइनर्स को कैरी करता है। तो बेसिकली इसकी फंक्शनिंग में क्या होता है, जैसे ही आपके लॉन्चर का रिकॉयल मैकेनिज्म इसके प्रिकर्सर को हिट करता है बेस प्लग पे, तो ये क्या करता है, आपका जो भी प्रोपेलिंग चार्ज है जो कि आप अभी इस पिक्चर में देख रहे होंगे जो कि रेड सेमी सर्कल में है, तो वो प्रोपेलिंग चार्ज बर्न होता है और बर्न होते ही फोर्स जनरेट करता है, और उस फोर्स की वजह से जो क्लोजिंग कप है वो बस्ट हो जाता है, और बस्ट होने के बाद जो भी गैसेस एलिमेंट जनरेट हुए हैं प्रोपेलिंग चार्ज की वजह से वो एंटर कर जाते हैं लो प्रेशर चैम्बर में ये ग्रीन पाइप्स के थ्रू, और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आपने फायर किया था लॉन्चिंग ट्यूब में इस ग्रेनेड को, तो उस फायरिंग की वजह से यहाँ पे आप देख रहे होंगे रेड कलर में दो साइड पे रोटेटिंग बैंड है, तो वो रोटेटिंग बैंड क्या करता है, इस पूरे कार्टेज को रोटेट कर देता है 3750 आरपीएम के पिन से, और इस रोटेशन की वजह से जो भी हमारा गैस एंटर कर गया है दो पाइप के थ्रू लो प्रेशर चैम्बर में, तो वो गैस और एक्सपेंड होगी, और एक्सपेंड होने की वजह से वो प्रोजेक्टाइल को एक मजल वेलोसिटी देगी, और वो मजल वेलोसिटी 76 मीटर पर सेकंड की है, और उस मजल वेलोसिटी की वजह से जो भी आपका पीआईडीबी फ्यूज है उसमें रोटेशन होगा, और वो फ्यूज सेपरेट होने लग जाएगा, लेकिन कम्प्लीटली सेपरेट नहीं होगा, वो तकरीबन 45 फीट की डिस्टेंस तक इसके साथ जुड़ा रहेगा, और जैसे ही आपका ये कार्टेज है वो अपने टारगेट को हिट करेगा तो ये पीआईबी फ्यूज हेल्प करता है जो भी आपका पिन है स्प्लिटबैक असेंबली में उस पिन को आपके आरडीएक्स चार्ज के साथ इग्नाइट करने में, और जिसके वजह से क्या होता है एक हायर टेम्परेचर जनरेट होता है, और वो टेम्परेचर जो भी आपके कॉपर लाइनर्स होते हैं उनको एक मोल्टन मेटल की फॉर्म में चेंज कर देते हैं, और ये मोल्टन मेटल आपके टारगेट के अराउंड एक जेट की फॉर्म में स्प्लिट होते हैं, और जिस जगह से भी निकलते हैं उस जगह को भेद देते हैं, और ये जो इसके अंदर A5 कंपाउंड का चार्ज है वो बेसिकली 1000+ डिग्री का टेम्परेचर जनरेट करता है, जो कि हेल्प करता है एक मोल्टन मेटल का जेट बनाने में, और डिफरेंट तरह के आर्मर्स को पियर्स करने की इसको क्षमता देता है। अगर बात करते हो DRDO के पर्सपेक्टिव से, तो DRDO ऐसी प्लान कर रही है कि जो भी इसका केसिंग मैकेनिज्म है उसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाया जाए ताकि किसी भी मिसहैपनिंग के चांसेस को कम किया जाए, और इसके लिए DRDO चीफ ने ऐसा बताया है कि इसकी जो केसिंग का मटेरियल है वो कंपोजिट मटेरियल ये लोग प्लान कर रहे हैं, जिससे कि जो इन ग्रेनेड्स का वेट है उनको भी रिड्यूस किया जाएगा और ट्रूप्स ज्यादा से ज्यादा ग्रेनेड कैरी कर सकेंगे, और इसका जो फ्यूज था स्प्लिट बैक फ्यूज उसको भी एडवांस बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि कहीं ना कहीं ट्रूप्स की सेफ्टी को इंश्योर करेगा। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है अगर आपका फ्यूज सही से वर्क नहीं कर रहा है तो आपके ग्रेनेड्स कुछ ही एरिया ट्रेवल करते ही डेटोनेट हो जाते हैं, जैसे कि हमने बताया कि 45 फीट तक जो भी आपका डेटोनेशन है उसको रोके रखता है आपका पीआईडीवी फ्यूज, तो वो डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए एडवांस फ्यूज बनाए जा रहे हैं। अगर आप बात करते हो इस तरह के HEDP ग्रेनेड की, तो इस तरह के ग्रेनेड 150 मीटर तक कैजुअलिटी फैलाने में सक्षम है, और वहीं पे अगर आप बात करते हो किल रेडियस की, तो इसका किल रेडियस 5 मीटर का है, और इस तरह के वेपन के स्पेशली इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी एडवांटेजेज हैं, जैसे कि हमारा कन्वेंशनल फायर एक्सचेंज चलता रहता है पाकिस्तान के साथ, तो इन सब चीजों को देखते हुए वहां पे एक एक्यूरेसी के साथ इम्पैक्ट करना, वेपन को लॉन्च करना और उनके बंकर्स को एक अच्छा खासा नुकसान पहुंचाना, तो इन सब चीजों को देखते हुए इस तरह के वेपन की जो अहमियत है वो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा है, और इसी को देखते हुए DRDO एक नए इनिशिएटिव के साथ सामने आ रही है, तो इस बारे में आप लोगों के क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी गिव अ लाइक, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जय हिंद।